हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ करण जौहर की अपकमिंग मूवी संगम रिटर्न के बारे में, जिसमें हमें हीरोइन के तौर पे दिखाई देगी द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण, और हीरो के तौर पे नजर आएंगे द वन एंड ओनली रणवीर सिंह। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी हमेशा ही बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जाती है। इनकी जोड़ी तो भाई साहब लाजवाब है। और बात करें तो अभी ना करण जौहर का मेन फोकस है योद्धा मूवी में। जी हाँ, योद्धा आने वाला है मूवी दिसंबर में, और ये मूवी में करण जौहर बहुत ज़्यादा बिजी है। साल 2023 में जो उनकी मूवी आई रॉकी और रानी, भाई साहब ब्लॉकबस्टर हिट गई। और साल 2016 में उनकी मूवी आई थी ऐ दिल है मुश्किल, उसके बाद करण जौहर काफ़ी हद तक ज़्यादा बिजी हो गए अपने बच्चों को लेके। एंड देन उसके बाद उनका कम बैक हुआ साल 2023 में। अभी तो उनका बैक टू बैक दो मूवी आ सकता है, यानी कि सबसे पहले योद्धा एंड देन उसके बाद संगम। संगम आने में थोड़ा सा भी वक्त है। बात करें तो संजय लीला भंसारी की भी नेक्स्ट मूवी आने वाली है लव एंड वॉर, जहाँ पे हमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल दिखाई देंगे। बट उसके बाद बात कर रही हूँ अभी करण जौहर का, तो उन्हीं में फोकस करती हूँ। तो वो अपनी मूवी में जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं कि भाई ब्लॉकबस्टर जाना है। बात करें तो करण जौहर की मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और उनकी जो मूवी में लव स्टोरी होता है और लव स्टोरी का थोड़ा सा चेंजिंग होता है, तो ये लव स्टोरी भी ब्लॉकबस्टर हिट जाने वाली है। आपको क्या लगता है कि उनका मूवी का लव स्टोरी कितना हद तक आपको पसंद आता है? लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। बी विथ मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।